Hello students from class 7, good morning. I am Alex sir. I am going to continue the revision in science today. We are going to start a new chapter for revision, lesson number 6, physical and chemical change. Physical and chemical change. तो एक बात तो आप देखिए, आप अपने डेली लाइफ में, अपने सराउंडिंग्स में बहुत तरह के चेंजेस आप देखते होंगे, ठीक है? चाहे घर में हो, चाहे अपने सराउंडिंग में हो, स्कूल में हो, प्लेग्राउंड में हो, पार्क्स में हो, बहुत सारे जगहों पर। जैसे आइस को मेल्ट करते हुए देखा होगा, जब हीट करते हैं, वाटर बॉइल्स जब गर्म करते हैं, आयरन में रस्ट पकड़ लेता है मॉइस्चर, ठीक है? घर में खाना पकड़ा, कॉमन साल्ट को पानी में डालिए, उसमें शेप चेंज हो जाता है, मतलब वो डिजॉल्व हो जाता है। वेजिटेबल्स पकाते हैं फिर वो अलग तरह का हो जाता है, जो पहले था बनने से पहले बाद में, ठीक है? तो दूध का दही में चेंज होना, तो ये सारे चेंजेस हमारे आसपास दिन रात होते रहते हैं, ठीक है? तो कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो आपको रिवर्स करते हैं, ठीक है? जैसे चेंज होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है? वो भी जो चेंज होगा उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब तक कारण नहीं होगा कोई चेंज नहीं होगा, तो कारण का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड द चेंज, राइट? तो कुछ चेंजेस, जैसे आइस को आपने फ्रीजर से निकाला और उसको छोड़ दिया बाहर में, तो क्या होता है? धीरे धीरे पिघलते वो पानी हो जाता है, ठीक है? हो जाता है। या फिर अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, इस हीट व्हाट विल हैपन, ऑल द आइस मेल्ट्स इनटू वाटर अगेन, दिस वाटर इफ यू पुट दिस वाटर इनटू फ्रीजर वंस अगेन, व्हाट हैपेंस, दे विल कन्वर्टेड इनटू आइस वंस अगेन, राइट? उसी तरह से पानी को उबालिएगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर को कूल डाउन करिएगा फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आपने देखा है आखिर, या फिर एक रबर बैंड लीजिए, आपने उसको फोर्स किया तो क्या हुआ, वो मर गया। आज जैसे ही आपने फोर्स जो आपने लगाया था उसको, तो उसको लिफ्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या हुआ, फिर से अपने ऑरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, ठीक है? तो आपने देखा कि ये सारी जो चेंज मैंने आपको बताया, इसमें अगर जो कारण है, ठीक है, जैसे आप आइस टू वाटर कन्वर्सन में हीट कारण था, यहाँ पर जो रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, वहां पर आपने फोर्स लगाया, तो अगर आप उसको वापस कर देते हैं तो फिर से वो चेंज होता है, अपने ओरिजिनल कंडीशन में पहुंच जाता है ना, वो वस्तु फिर से अपने ओरिजिनल जो कंडीशन था उसका, उसको रिकवर कर देता है। तो ऐसे चेंजेस है ना, द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स, द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द कंडीशन, है ना, इज नोन एज रिवर्सेबल चेंज। ऐसे चेंजेस जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं, कैसे, बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। तो कंडीशन चेंज के लिए आपने लगाया था उसको रिवर्स कर दीजिए, चेंज विल बी बैक, है ना, वंस अगेन बी बैक। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जहां तक मैंने आपको बताया, स्ट्रिचिंग ऑफ रबर बैंड, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच दबाइए बंद करने लगेगा, स्विच बंद कर दिए बल्ब बंद, स्विच दबाया आपने तो लाइट जल गई, स्विच को ऑफ किया लाइट बंद हो गई, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है? मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारे रिवर्सिबल चेंज है। और ये रिवर्सिबल चेंज जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट चेंज नहीं होते, मतलब एक बार कर दिया तो चेंज वो उसको फिर वापस किया जा सकता है, इसलिए उसको टेम्पररी कहते हैं। अगर टेम्पररी रिवर्स कर दिया आपने कंडीशन को तो फिर से वापस हो गया, तो चेंज तो परमानेंट हुआ नहीं, ठीक है? उसी तरह से द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसे चेंजेस जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते कंडीशन को वापस करने के बावजूद, हाँ, बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स बाय चेंजिंग द कंडीशन, सच चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। को हम लोग इरिवर्सिबल चेंज करते हैं, ऐसे चेंज वो उन कंडीशन जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको वापस नहीं कर देते हैं, तो फिर वो वापस नहीं होते, है ना? ऐसे चेंजेस को हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। जैसे पेपर को आप जलाइए,
लाख मिला के आप पेपर बना सकते हैं, वापस नहीं बना सकते। दूध का दही में जब है ना वापस नहीं हो सकता। फल का कच्चा फल पक गया है ना, फिर से आप कच्चा फल नहीं ले सकते। पका हुआ सब्जी को फिर से ग्रीन वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे चेंज हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसे चेंजेस को लोग इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रॉडली ये सारे जो चेंजेस हैं उनको दो मेजर पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है, देखिए वी नो दैट प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज कैरेक्टर स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस का जो कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि शेप है, साइज है, कलर है, स्टेट मतलब उसकी अवस्था, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस का कलर, स्टेट, शेप, साइज ये सारे जो है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। A change in which only the physical properties of any substances get changed. As a change जिसमें सब्सटेंस के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, ठीक है, एंड नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस, कोई भी नया चीज नहीं बनता, ऐसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, तो ए चेंज इन विच ओनली physical properties of a substance get changed and no new substances are formed are called physical change. ठीक है, तो let us perform, अब देखिए कुछ changes होते हैं। आइस को आपने पानी में कन्वर्ट, आइस को आपने हीट किया तो क्या हुआ, पानी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, आइस क्या था, सॉलिड अवस्था में था, पानी में बदल गया, पानी भी लिक्विड हो गया, लेकिन दोनों जो है आइस भी H2O है और पानी भी है, क्योंकि पानी अगर वो परमानेंट चेंज हुआ होता तो फिर पानी से आइस में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर से रख देते हैं फ्रीजर में तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब उसका सिर्फ शेप बदलता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। आइस की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है। और देखिए स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, थोड़ा देर पहले बताया रबर बैंड का स्ट्रेच करना है ना, फिजिकल चेंज है, उसका शेप बदल गया, फिर आप फोर्स छोड़ देते हैं, फिर अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो ग्राइंडिंग ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को, और गेहूं पीस दीजिए तो आटा हो जाता था, लेकिन गेहूं की जो प्रॉपर्टी है वही आटे में होगी, वो चेंज नहीं करता। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस और हीटिंग एंड कूलिंग, किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है, फिर कूल करते हैं, फिर वो अपने ओरिजिनल जो पोजिशन है उसको रिगेन कर लेता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता। मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पीस ऑफ आयरन है, हैमरिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम थिन शीट्स, मेटल को पिक पिक कर पतले से पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग मेटल्स फ्रॉम वायर में तार खींच सकते हैं, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है उनका, मतलब इसमें कोई नए सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता, इसलिए इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज फॉर सम ऑफ द फिजिकल चेंज में सिर्फ आपको उसका किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होते है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में शेप, साइज, कलर है ना, स्टेट, ये सब चेंज होगा। दूसरा, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में किसी कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। जनरली फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज रिवर्सिबल, ठीक है, तो उनको आप रिवर्स कर सकते हैं। जनरली नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस, और इसमें फिजिकल चेंज में एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है नेट। अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेंस द सेम, और किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया, और अगले क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कल, है ना। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।